आप इतने कम टाइम में आराम से कम इंग्रेडिएंट्स आराम से घर रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर बर्गर बना सकते हैं घर में। अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? आज हम फूड आयमन में चिकन जिंगर बर्गर बनाएंगे। चिकन जिंगर बना रहे हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और अलबी जैसा बनेगा। तो उसके लिए हमने 8 पीसेस बोनलेस चिकन ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर है और 3 टेबलस्पून लेमन जूस और 4 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए आप 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाले डालने से पहले हर फ्ले को आप उठा के हैमर से प्रेस करके फिर मसाले डालिएगा। अब हम मसाले डालने के बाद मिनिमम 2 घंटे या 6 या ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा। चिकन की कोटिंग के लिए लेंगे हम 1 कप मैदा, बड़े से बाउल में डाल देंगे। 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हम इन सबको मिक्स करते हैं। ये देखिए, हमने अब ये मिक्स कर लिया और ये हमने 2 अंडे लिए, तो अब हम इसको कोट करेंगे। हम ऐसे सारे को करके और अलग कर देंगे। एक एक टिप है कि आप जितना शेक करके डालेंगे फ्ले को, चिकन फ्ले को, तो उतनी बाहर जाती और क्रंची रहेगी। जब तक ये गोल्डन फ्राई कलर नहीं आएगा तब तक हमें इसको फ्राई करना है डीप फ्राई। ये बन गया, बस इसको डिश आउट करते हैं। हमने अब सारी चिकन को फ्राई कर दिया, अब हम बर्गर में असेंबल करेंगे। हम बर्गर को असेंबल करेंगे। कोसलो डालेंगे। कोल्सलॉ की जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आई कार्ड पे। तो ये अब आपका बर्गर तैयार। तो ये देखें आप कितने कम टाइम में आराम से कम इंग्रेडिएंट्स आराम से घर रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर बर्गर बना सकते हैं।